गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम उग्रवादी चरण या राष्ट्र आंदोलन का जो द्वितीय चरण है उग्रवादी युग, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये द्वितीय चरण 1905 से लेके 1913 तक रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नव राष्ट्रवाद या उग्रवाद के उदय का काल भी माना जाता है। इस समय स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस के जो प्रारंभिक उदारवादी नीतियां थी, उससे उग्रवादी कहे जाने वाले नेताओं का मोह शीघ्र भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की जो अनुनय विनय की प्रवृत्ति थी, उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दे डाली। कांग्रेस के उग्रवादी तथा अतिवादी कहे जाने वाले प्रमुख नेताओं में थे बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र से थे, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, ये बंगाल से थे, और लाला लाजपत राय पंजाब से थे। उग्रवादियों के राष्ट्रवाद को भारत की प्राचीन संस्कृति की गौरवमयी नव चेतना के जागरण से प्रेरणा मिली थी। उग्रवादी नेता अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक भवानी मंदिर में लिखा था, हमारी भारत माता पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, नहीं वह वाक मूर्ति है, नहीं कोरी मन की कल्पना है, यह लाखों लोगों की सामूहिक चेतना से निर्मित वह महान शक्ति है जिसमें राष्ट्र का निर्माण होता है। भारत में उग्रवाद को जन्म देने वाले कारणों में बहुत से कारण थे, जिनमें प्रमुख हैं अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों या मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया और वह राजनीतिक आंदोलन को कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इसका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण की नीति ने देश को विपन्नता के कगार पर पहुंचा दिया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में ही सांप्रदायिक झगड़ों से जनधन की भी अपार क्षति हुई थी। इन परिस्थितियों में सरकार निरंतर उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोह भंग हो गया और राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारत को अधिक अधिकार देने की अपेक्षा वर्तमान अधिकारों को भी वापस लेने की कुत्सित प्रयास कर रही है। फलस्वरूप राष्ट्रवादियों ने तत्कालीन विभिन्न नियमों एवं अधिकारों की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रवादियों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई थी। तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल व अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने अपील की कि वे भारतीयों को विशेषताओं एवं शक्तियों को पहचाने। धीरे धीरे यह धारणा बलवती होने लगी कि जनसाधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहां एक ओर भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे, वहीं उनमें जागृति आई और दूसरी ओर उनमें बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी भी बढ़ी, क्योंकि शिक्षित होने वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकार रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर सकी। इनमें से अधिकांश ने अपनी बेकारी और दयनीय आर्थिक दशा के लिए उपनिवेशी शासन को उत्तरदायी ठहराया और धीरे धीरे वे विदेशी शासन के समूल को नष्ट कर उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव था, जिनमें 1868 के पश्चात जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी नवीन राष्ट्रवादी नेताओं ने की थी। भारतीय संस्कृति के जो पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया था, उसी समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय तथा वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में नया विश्वास पैदा किया और भारत की प्राचीन समृद्ध विरासत का गुणगान कर पश्चिमी संस्कृति की पोल खोल दी। दयानंद ने घोषित किया था कि भारत भारतीयों के लिए है। उदारवाद की उपलब्धियों से भी राष्ट्रवादी असंतोष दिखा रहे थे।
तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस पहले 15-20 वर्षों की उपलब्धियों से असंतुष्ट थी। वे कांग्रेस की क्षमा याचना और शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति की तीव्र आलोचक थी। उन्होंने उदारवादियों की इस नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से ही इनकार कर दिया तथा कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी। उसके शासन के विभिन्न प्रतिक्रियावादी कानूनों यथा कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम इत्यादि से भारतीय खिन्न हो गए। 1905 में बंगाल की विभाजन तथा कटु भाषा के प्रयोग से भारतीयों का असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसके अलावा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जुझारू या उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ था जिसने राजनीतिक कार्यों एवं आंदोलनों के लिए उग्र तरीके अपनाने पर जोर दिया था। इन जुझारू राष्ट्रवादियों में बंगाल के राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री चिपलंकर, बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय थे। इनके राष्ट्रवादी विचारधारा के जो सिद्धांत थे उनमें था, विदेशी शासन से घृणा करो, भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य होना चाहिए, राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए, निडरता, आत्मत्याग और आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीय में अवश्य होनी चाहिए, स्वतंत्रता पाने एवं हीन दशा को दूर करने हेतु भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में उग्रवादी युग में एक बहुत बड़ा आंदोलन उग्रवादियों ने किया जिसे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कहा जाता है। यह 1905 में बंगाल में हुआ था। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध स्वरूप चलाया गया था। यह बंग भंग का ही प्रतिफल था, अर्थात बंगाल विभाजन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। 1903 में बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की गई थी जिसमें सरकार ने तर्क दिया था कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है, किंतु इसके पीछे मुख्य उद्देश्य बंगाल को दुर्बल करना था क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों की प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित किया गया, एक तो भाषा के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। सरकार ने इन दो आधारों पर बंगाल का विभाजन कर दिया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तथा अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया था। चूंकि ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा ले रही थी, फलतः सरकारी दमन के विरोध में उग्रवादी गतिविधियां भी प्रारंभ हो गई। उदारवादियों द्वारा भी बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। इस वक्त उग्रवादी राष्ट्रवादियों की जो गतिविधियां थी वो तीन चरणों में थी जिसमें उदारवादियों के नेतृत्व के आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला था, जिसकी वजह से और उदारवादियों के संवैधानिक रुख से उग्रवादी असहमत थे। इन और साथ ही सरकार के अभियान को असफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ किया गया जिसके फलस्वरूप उग्रवादी राष्ट्रवादियों की गतिविधियां सामने आने लगी। इस वक्त इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जनसभाएं की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया, स्वदेशी संगठनों एवं समितियों का गठन किया गया और परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों को जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग किया गया जिसमें तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव न केवल महाराष्ट्र अपितु बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया था। आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की भावना पर
भी बल दिया गया और स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा पर इस वक्त जोर दिया गया, जिसके कारण कई राष्ट्रवादी स्कूलें विद्यालय इस वक्त खुले थे। स्वदेशी में भारतीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया गया। सांस्कृतिक जगत का इस वक्त प्रभाव बढ़ा, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना करने के लिए आगे आए, जिसने भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा दी थी। इस आंदोलन में उग्रवादियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, हालांकि यह आंदोलन असफल रहा था। आगे चलकर 1907 में उदारवादियों और उग्रवादियों में मतभेद बढ़ने लगे और 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो गया, क्योंकि 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनास में जो कि संपन्न हुआ था, तो उदारवादी और उग्रवादियों के मतभेद इस अधिवेशन में खुलकर सामने आए और उन्हीं के परिणाम स्वरूप 1907 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ, वहां बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष चुना जाए, इसके लिए उदारवादी और उग्रवादियों में लड़ाई हो गई, क्योंकि उदारवादी चाहते थे कि 1907 के अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए और किसी भी हालत में तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। तत्पश्चात रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग उठी। इसी वक्त राज बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित करते ही सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया और उसके दो टुकड़े हो गए, उदारवादी और उग्रवादियों में। इसके पश्चात 1908 में राष्ट्रवादी आंदोलन का उन्माद थोड़ा ठंडा पड़ा और तिलक को जेल भेज दिया गया, मांडले जेल, और 1914 में तिलक को रिहा कर दिया गया और इसके साथ ही उग्रवादी युग धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। धन्यवाद।